नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा वो अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। कंगना बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक मामलों पर भी खुलकर अपनी राय रखती नजर आती और लगातार चर्चा में बनी रहती। फिलहाल कंगना ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके कंगना काफी खुश हैं और उन्होंने तस्वीरों के साथ ही एक नोट भी साझा किया। कंगना रनौत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की दो तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा की, जिनमें उन्हें राष्ट्रपति को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरों में कंगना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट है। इससे ही पता चल रहा है कि वो कितनी खुश है। अपनी इस खुशी को उन्होंने पोस्ट के साथ नोट के जरिए साझा किया और राष्ट्रपति मुर्मू की तारीफ की। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम से तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिलकर बेहद खुशी हुई। उनसे मिलना बहुत सम्मान की बात है। उनकी कोमल आवाज, शांत स्वभाव और करुणामयी निगाहें हैं। वो बेहद शांत और विनम्र महिला है। कंगना रनौत ने अपने नोट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आगे लिखा, इस कुर्सी पर बैठकर वो एक देवी शक्ति की तरह लगती हैं, जो पालन पोषण करती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने मेरे कार्य की सराहना की। मैंने माननीय राष्ट्रपति से कहा कि जब वो सर्वोच्च स्थान पर पहुंची तो इस देश में हर महिला अपने स्थान से ऊपर उठ सकती है। वो जिस तरह से मुझे देख रही थी, मैं अब भी उस आनंद में भीग रही हूँ। जय हिंद। बात करें कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की, तो वो कुछ दिन पहले फिल्म धाकड़ में नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब एक्ट्रेस फिल्म तेजस में नजर आएंगी। इसके अलावा वो इमरजेंसी की शूटिंग में बिजी। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन और 1975 में लगे आपातकाल की कहानी दिखाएगी। कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें कंगना हूबहू इंदिरा गांधी की तरह लग रही थी। लोग उनको देखकर हैरान रह गए थे। कंगना की ये फिल्म अभी से चर्चाओं में आ गई। जहां एक तरफ कंगना के फैंस इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस फिल्म को लेकर अपना विरोध जता रही। इस फिल्म में कंगना के अलावा अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और मिलिंद सोमन भी अहम रोल में दिखाई देंगे। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती। वैसे कंगना और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस मुलाकात पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।